इसरो का जीसेट 1 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाली थी। इस चैनल पर एक और जीसेट वाला वीडियो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्रांस पहुंचो लिंक पर। उड़ान भरने वाली थी लेकिन एक टेक्निकल एरर के चलते जीसेट 1 को 5 मार्च को जो 5:43 पर उड़ान भरने वाली थी वह रद्द कर दी गई है। इसरो ने बताया कि लॉन्चिंग की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। जीसेट 1 देश की सीमाओं पर नज़दीकी नज़र रखने वाले सक्षम इस उपग्रह का परीक्षण यान GSLV-10 से किया जाना है। पूरे भारतीय को लगभग रियल टाइम तस्वीर भेजने में समर्थ है। 2275 किलो वजन वाला यह उपग्रह GISAT ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाना है। यह देश का पहला उपग्रह है जिसे इतनी ऊंचाई की कक्षा में रखा जाएगा। आसमान में बादल नहीं रहने पर स्थितियों में यह पूरे भारतीय को तकरीबन रियल टाइम तस्वीर भेजने में समर्थ है, जिससे देश की सीमाओं पर हो रही हलचल के बारे में तुरंत जानकारी मिल सके। यह GSLV की 24वां उड़ान होगी। GSAT 1 की नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला घंटा दबा दो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। नई तारीख कब आएगी, कब लॉन्च होगी, कब उड़ान भरेगी, कब आएगी नई तारीख, कब होगी, पूरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कब आएगी तब पता चलेगी, कब उड़ान भरने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो करना करो, मैं चला बाय।